हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम द रफेल नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लेडी से जिसका नाम फ्रांसिस्का है, जिसे अभी अभी खबर मिली है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो आखिरी बार अपने हस्बैंड को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है, पर वो देखती है जिसे उसका हस्बैंड बताया जा रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि उनसे कुछ गलती हुई है। वो दूसरे रूम पे फ्रांसिस्का को ले जाते हैं। वहाँ वो जाके देखते हैं और फ्रांसिस्का को समझ में आ जाता है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फ्रांसिस्का का हस्बैंड मौरियो अपनी बेटी और अपनी वाइफ को छोड़ गया है। अब उसकी बेटी की जिम्मेदारी फ्रांसिस्का पे है। फ्रांसिस्का अपने लॉयल दोस्त से मिलती है। वो फ्रांसिस्का को बताता है मौरियो मरने से पहले काफ़ी खर्च कर चुका है। ये सारा कर्ज अपने बोट के बिजनेस के लिए उसने लिया था। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये कई सौ मिलियन होंगे। फ्रांसिस्का कहती है कि अपना कर्ज उतारने के लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना विला, अपना सब कुछ बेच देगी। लॉयर कहता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिरवी पड़ी हुई हैं, मतलब अब फ्रांसिस्का के पास बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है। फ्रांसिस्का के पास जो ज्वेलरी बची थी उसे बेचकर वो अपनी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम करती है। उसके पास बची हुई सारी बोट्स को वो अपने एक लॉयर फ्रेंड को बेच देती है। वो लॉयर फ्रेंड उसका कम दामों में सभी बोटें खरीद लेता है। वो कहता है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ये बोट भी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। इन सब के बाद फ्रांसिस्का अपने पुराने दोस्तों से मिलती है। इनमें से एक है कार्ला। कार्ला का हस्बैंड है सेंट्रो। एक बार वो अपने फ्रेंड के वार्डरूम को देखती है। उसके वार्डरूम में महंगे कपड़े देखकर फ्रांसिस्का काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते। इसके बाद वो सेंट्रो से रिलेशनशिप शुरू कर देती है। ये अक्सर बार बार इंटीमेट हुआ करती थी। एक बार फ्रांसिस्का सेंट्रो से उसकी वाइफ का कोट मांगती है। अगले दिन सेंट्रो वो कोट उसे पहुँचा देता है। इस महंगे कोट को बेचकर फ्रांसिस्का अपने बेटे की पढ़ाई का अरेंजमेंट करती है और साथ में सेकेंड हैंड कार खरीद लेती है। जब कार्ला को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो फ्रांसिस्का से कहती है उसे वो अपना कोट चाहिए। फ्रांसिस्का कहती है वो ऑलरेडी उस कोट को बेच चुकी है। इससे दोनों के बीच की दोस्ती टूट जाती है। फिर कुछ दिन बाद फ्रांसिस्का अपने लॉयर दोस्त से कहती है कि वो एक रैफल रखना चाहती है। इस रैफल में 20 मर्द पार्टिसिपेट करेंगे। हर कोई $100 मिलियन देगा और जो जीत जाएगा उसे इनाम के तौर पर फ्रांसिस्का मिलेगी और 4 साल तक फ्रांसिस्का उसके साथ रहेगी। इसका फैसला ड्रॉ के साथ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रैफल की तैयारियां चालू हुई होती हैं और काफ़ी सारे मर्द इसमें हिस्सा लेते हैं। मोस्टली मौरियो के दोस्त ही होते हैं इसमें। फ्रांसिस्का का लॉयर फ्रेंड कहता है कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है क्योंकि वो फ्रांसिस्का से प्यार करता है। फिर एक दिन एंटोनियो नाम का लड़का फ्रांसिस्का की कार के सामने आ जाता है। फ्रांसिस्का उसे संभालती है और अपने घर ले जाती है। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से। फ्रांसिस्का भी एंटोनियो के लिए फीलिंग्स रखने लगी है। अब दोनों बार बार इंटीमेट होते हैं। फिर फ्रांसिस्का एंटोनियो को बताती है कि उसने एक रैफल रखा है और जो विजेता होगा उसे 4 साल के लिए फ्रांसिस्का अपने साथ रखेगी। एंटोनियो कहता है वो फ्रांसिस्का का 4 साल तक इंतजार करेगा। इस रैफल के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और फ्रांसिस्का के लॉयर फ्रेंड के ऑफिस में भी छापेमारी होती है। छापेमारी में बहुत सारे चेक मिलते हैं जो फ्रांसिस्का के नाम पर $100 मिलियन के होते हैं। उसके लॉयर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो वैश्यवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही फ्रांसिस्का को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। वो अपने लॉयर के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के सामने इंक्वायरी के लिए पहुंचती है। पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि आखिर इतने सारे चेक उसके नाम पर क्यों हैं। यहाँ फ्रांसिस्का कहती है कि उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। उसके हस्बैंड के फ्रेंड्स ने एक रैफल में पार्टिसिपेट करते हुए ये सभी चेक उसके नाम पर बनाए हैं। यहाँ पर पुलिस वाला पूछता है आखिर इस रैफल का इनाम क्या था। यहाँ फ्रांसिस्का उससे झूठ बोलती है कि इनाम के तौर पर उन बोटों को दिया जाना था जो उसके हस्बैंड ने खरीदी थी। पुलिस उस पर भरोसा करते हुए उसे छोड़ देती है। एंड में हम देखते हैं कि बच्चे और उसकी मदद के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। अब जब फ्रांसिस्का को 20 चेक 100 मिलियन के उसे मिल जाते हैं तो वो प्लेन पकड़कर अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी नोट पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।